तैमूर अली खान के जन्म के बाद करीना कपूर खान इस जून में फिल्म वीरे दी वेडिंग के साथ देखेंगी। फैंस को उन्होंने काफी लंबा इंतजार कराया है, लेकिन बता दें करीना अब बैक टू बैक धमाका करने वाली हैं। वीरे दी वेडिंग के बाद करीना ने कोई फिल्म साइन नहीं किया था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की मराठी फिल्म आपला मानुष के हिंदी रीमेक में करीना कपूर नजर आ सकती हैं। फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर करेंगे और उन्होंने फिल्म को लेकर करीना से कई दफा मुलाकात भी की है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट और को-स्टार फाइनल होते ही करीना फिल्म को फाइनल कर देंगी। नाना पाटेकर स्टारर इस मराठी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म 2018 में ही रिलीज हुई है। वीरे दी वेडिंग, फिलहाल करीना वीरे दी वेडिंग में व्यस्त हैं। फिल्म 1 जून 2018 को रिलीज होने वाली है। बता दें तैमूर के जन्म के बाद यह करीना की पहली फिल्म है। चार दोस्तों की कहानी। यह फिल्म चार दोस्तों की कहानी है जो अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करते हैं और वहां काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, लिहाजा यहां आपको गीत संगीत और ढेर सारा फैशन देखने को जरूर मिलेगा। उत्साहित हैं करीना? करीना कपूर इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह फुल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। उड़ता पंजाब के बाद कमबैक। बता दें करीना कपूर की आखिरी फिल्म 2016 में उड़ता पंजाब थी, जहां उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। बैक टू बैक फिल्में वहीं, अब करीना कपूर जल्दबाजी ना दिखाते हुए बैक टू बैक तगड़ी फिल्में ही साइन करने वाली हैं। जाहिर है उनके फैंस उनके कमबैक को लेकर काफी उत्साहित हैं।